यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन हाउस और बीआई न्यूज के इस सफर में शामिल दोस्तों, आपको मेजबान इकबाल काकड़ और प्रोड्यूसर शम्स आजाद का सलाम हर्ज है। अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद है कि आप खैरियत वाफियत से होंगे। आज हम आपको एक ऐसे परिंदे के बारे में मालूमात देते हैं जो इंतहाई खूबसूरत, शर्मीला और मोहब्बत का पेकर अभी परिंदा है, यानी कोंच, जिसको अंग्रेजी में क्रेन कहते हैं। कोंच एक साइबेरियाई परिंदा है जो सर्दियों में अपने अफजाइश के लिए साइबेरिया की यख बस्ता माहौल से हिजरत करके पाकिस्तान आता है। मतलब ये मकामी पंछी नहीं बल्कि मेहमान पंछी है जो बाद अजा वापस साइबेरिया लौट जाता है। नाजरीन, कोंच में चंद बातें ऐसी हैं जो सिर्फ दरवेशों में ही नजर आती है, आम लोगों में नहीं। मसलन फिराक यार में रोना, बहजमात और कतार में हुड़ना, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही जोड़ा बनाना और फिर उम्र भर इसी दिलबर के साथ ऐसा रिश्ता बनाना कि सिर्फ मौत जफा ला सकती है। कोंच की रफाकत का ये रिश्ता इतना मजबूत और ताकतवर होता है कि मौत के बाद इनके हड्डियों को अपने परों में समेट कर बैठ जाता है, यहाँ तक इनकी छाती में कीड़े सुराख कर देता है। एक दिलचस्प और अजीब बात यह है कि कोंच को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सिलायत दी है कि वो 2000 किलोमीटर दूर से अपने अंडे सीती है और अपने वजूद पर कंट्रोल रखती है। कोंच में एहतियात और इत्तेफाक बहुत ज्यादा हैं। ये अपने लीडर के बहुत ही परमाबरदार होते हैं। जो भी खतरा हो, दौरान परवाज अपने लीडर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। पूरी दुनिया में इसकी तकरीबन 15 अकसाम बताई जाती हैं। अजीम साइबेरियाई कोंच तमाम कुंजों से बड़ी कोंच है। ये सफेद रंग की है और 10 किलो से ज्यादा वजनी है। सर्दियों के आगाज में चंद अकसाम की कुंजें नकल मकानी करके पाकिस्तान के सरे इलाकों में कयाम करती हैं। साइबेरिया से बरसता है जो बलूचिस्तान दाखिल होते हैं। साइबेरिया से नकल मकानी करने वाले इन परिंदों के रोड्स को इंडस फ्लाईवे यानी ग्रीन रोड्स कहा जाता है। पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में इनको बेदर्दी और गैर कानूनी तौर पर शिकार करते हैं। हुकूमत बलूचिस्तान को खुसन चाहिए कि इसकी शिकार पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जाए। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल इंफॉर्मेशन हाउस और BN News को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले वीडियो तक मेजबान इकबाल काकड़ और प्रोड्यूसर शम्स आजाद को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखे। अल्लाह हाफिज।